नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसे स्मार्ट शहर कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वो एक रात की बारिश में ही कैसे नदी में बदल गया है और लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। चर्चा करूंगा इसकी वजहों पर, आखिर क्या वजह है कि देश में सबसे तेजी से विकसित करते हैं सिलिकॉन वैली की बदहाली की क्या वजह है। तो आपको मैंने कुछ क्लिपिंग्स दिखाई कैसे एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों मकानों में पानी भर गया है, जो आईटी सेक्टर है, तमाम कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वहां पानी भरा हुआ है। आगे विस्तार से दिखाऊंगा, पूरा देखिए। जांचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो चलिए जानते हैं इस शहर के पानी में डूबने की वजह, तालाब में बदलने की वजह। इस सप्ताह सोमवार सुबह जब बेंगलोर के लोग जगे तो उन्होंने भारी बारिश के बाद जल जमाव देखा। कई इमारतों और उनके बेसमेंट में पानी भर गया। करोड़ों रुपए के विला जो लोगों ने खरीदे थे वहां पानी भर गया और करोड़ों की गाड़ियां भी पानी में तैरती नजर आई। और इतना पानी भर गया कि सड़क चलने लायक नहीं रही और नगर निगम के कर्मचारियों को नावें उतारनी पड़ी। कई लोगों को बचाकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाना पड़ा, हजारों लोगों को। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अभी गुरुवार तक शहर में ऐसी ही बारिश का अंदेशा है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी 30 सितंबर को पूरी रात बारिश के बाद ऐसा ही नज़ारा था। और मौसम विभाग का कहना है कि बेंगलुरु में पूरी रात
131.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 26 सितंबर 2014 को 132.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और बेंगलोर में जल जमाव की बहुत आलोचना होती रही है और इस बार तो इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग के कारण बेंगलोर में कई आईटी कंपनियों समेत कॉरपोरेट कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया है। इसी तरह स्कूल भी ऑनलाइन चल रहे हैं फिलहाल। और नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस शहर को सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और शहर के सभी जलाशय भरे हुए हैं, इसलिए सड़कों पर जमा पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और उसने माना है कि इस पानी को निकालने की क्षमता नहीं है उसके पास। 31 अगस्त को 120 मिलीलीटर बारिश हुई थी, उसके बाद 3 सितंबर को इतनी अधिक बारिश शहर के लिए घातक साबित हुई है। इसे बाढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, लेकिन शहर की प्लानिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, खासकर जब बारिश के बाद घरों और बेसमेंट में पानी भर जाता है। और कर्मचारियों का कहना है, आईटी कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि बीते सोमवार को यानी इसी सप्ताह जब दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे तो पूरी सड़क पानी में डूबी हुई थी। और उनका कहना है कि यह हर साल की समस्या है, थोड़ी ज़्यादा बारिश होने की स्थिति में ही नाले जाम हो जाते हैं और बारिश का पानी घर के भीतर घुसने लगता है। आखिर नगर निगम इस समस्या के समाधान की दिशा में क्यों नहीं सोच रहा है? खासकर आउटर रिंग रोड पर तो बदहाल स्थिति है। और भारी बारिश के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट और उसके रास्ते पर भी पानी लग गया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें लोग बेबस नजर आ रहे हैं, कईयों की उड़ान छूट गई, उड़ान सेवाएं भी अस्त व्यस्त रही और कई उड़ान सेवाएं बाधित हुई। रात को 11:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच वहाँ 109 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि जो बेंगलुरु में हो रहा है वह इससे पहले पटना, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी हुआ है। वर्षों पहले चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में भारी बारिश के कारण कई लोगों की जान तक चली गई थी और इस बारिश के बाद स्थिति जस की तस है। लगातार बारिश हो रही है रोजाना। मुख्यमंत्री बम्बई का दावा है कि पिछले 90 साल में शहर ने ऐसी बारिश नहीं देखी। और जो सबसे महंगे इलाके हैं कम्युनिटी गेटेड कम्युनिटी एस्पिलॉन, वहाँ राहुल द्रविड़ पूर्व कप्तान समेत कई बड़े व्यापारियों के बंगले हैं, वहाँ भी पानी भर गया है। जानकारों का कहना है कि जिस तेजी से महानगरों का विस्तार हो रहा है वह अनियंत्रित है, बिखरा हुआ है। खासकर बेंगलुरु शहर का विस्तार दूसरे शहरों के मुकाबले बहुत तेजी से हो रहा है आईटी बूम के कारण, और अचानक बारिश से आम लोगों के साथ साथ कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आईटी कंपनियों को बारिश और जल भराव के कारण कहा है कि 225 करोड़ का अनुमानित जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बातचीत करेगी, विचार करेगी। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बोम्मई के हवाले कहा गया है कि वह आईटी कंपनियों से चर्चा कर मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। इससे पहले जुलाई में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी बेंगलुरु में और राज्य सरकार ने केंद्र से वित्तीय मदद मांगी थी। तो बेंगलुरु की बारिश और वहां बाढ़ जैसे हालात इस बात का सबूत है, ग्लोबल वार्मिंग का असर भी नज़र आ रहा है और इस बात का सबूत है कि अनियंत्रित विकास किस कदर लोगों को बदहाल बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।